देश के 5 राज्यों में मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही नतीजों को लेकर खुली बहस शुरू हो गई है। खासतौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव परिणामों को लेकर मंथन तेज हो गया है। एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर न केवल सरकारें बनाई जा रही है अपितु आगामी लोकसभा चुनाव की दिशा व दशा पर भी बहस शुरू हो गई है। यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में एग्जिट पोल के नतीजों पर गौर करें तो 5वीं बार भाजपा की सरकार बनने की बहस जारी है। ये नतीजे सच्चाई से तब तक दूर हैं जब तक मतगणना के उपरांत परिणामों की अधिकृत घोषणा नहीं हो जाती है। मध्य प्रदेश के अब तक के 6 एग्जिट पोल में से 4 भाजपा की सत्ता में वापसी करवा रहे हैं तो जबकि 2 पोल कांग्रेस की सरकार बनाने की संभावना जता रहे हैं। वहीं अगर रीवा संभाग की बात करें तो रीवा संभाग में भाजपा को एक बार फिर से बढ़त मिलती नजर आ रही है। रीवा संभाग में वर्तमान 6 जिले हैं लेकिन 4 राजनीतिक जिले सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली है। इन 4 जिलों में कुल 22 विधानसभा सीटें हैं। इन 22 सीटों में 10 सीटें भाजपा के पक्ष में जा सकती है जबकि शेष 12 सीटों में 9 सीटें कांग्रेस व 3 बसपा तथा अन्य को मिल सकती है। चूँकि अधिकांश विधानसभा सीटों में हार जीत का अंतर करीब का है इसलिए आंकड़ों में उलटफेर भी हो सकता है। जागरण के द्वारा सर्वे में मिले रुझानों के अनुसार इस बार भाजपा कांग्रेस को बराबर जनमत मिलता नजर आ रहा है। हालांकि विंध की 5 सीटों में बसपा व एक सीट में आम आदमी पार्टी व सपा की दखल से भाजपा कांग्रेस की सीटें घट बढ़ सकती हैं। जागरण की सर्वे रिपोर्ट की माने तो सतना जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से 2 भाजपा, 3 कांग्रेस, 1 में कांटे की टक्कर तथा 1 अन्य है। वहीं रीवा में 8 विधानसभा में से 2 भाजपा, 2 कांग्रेस, 3 कांटे की टक्कर और 1 अन्य। जबकि सीधी में 4 विधानसभा सीटों में से 1 भाजपा की झोली में है तो 2 कांग्रेस की झोली में आ सकती है जबकि 1 में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। इसी तरीके से सिंगरौली में 3 विधानसभा सीटों में से 1 भाजपा, कांग्रेस को 1 में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं अब रीवा ज़िले की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव 2018 के नतीजों में इस बार उलटफेट की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचकर 8 की 8 सीटें अपने नाम की थी लेकिन इस बार परिवर्तन का रुख नज़र आ रहा है। जहां रीवा में भाजपा मजबूत नज़र आ रही है तो सिमरिया विधानसभा में कांग्रेस मजबूत दिख रही है। वहीं सिरमौर विधानसभा की बात करें तो यहां पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है। यहां भाजपा, बसपा और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा जबकि देवतलाव विधानसभा, गुड़ विधानसभा, त्योथर विधानसभा में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं इसी तरीके से मनगवां विधानसभा और मऊगंज विधानसभा में भी कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। हालांकि परिवर्तन की लहर भाजपा सरकार की लाडली बहना योजना की भंवर में फंसी नजर आ रही है इसलिए कयासों के दौर में किसी एक के पक्ष में स्पष्ट जनादेश की बात करना उचित प्रतीत नहीं होता है। इतना अवश्य है कि भाजपा इस बार विंध्य में 2018 के आंकड़े से दूर रहेगी।